हेलो बच्चों, आज हम दोनों पक्षों में एक एक वेरिएबल वाले रेखीय समीकरण के बारे में जानेंगे। यहाँ एक तरफ वाला एक समीकरण दिया गया है 9 + 2y = 6। पर अगर दोनों तरफ वेरिएबल्स हों तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 5 + 4y = y + 3। यहाँ y वेरिएबल है और वो समीकरण के दोनों पक्षों में है। LHS में 4y और RHS में y है। 5 + 4y = y + 3 में हमें y का मान पता लगाना है, इसलिए शुरुआत करने के लिए हमें पहले किसी एक पक्ष से y हटाना होगा, जिससे हमें सारे वेरिएबल्स समीकरण के एक पक्ष में मिल जाएं। हम दोनों पक्षों से y घटा देंगे, इस तरह से RHS में होगा y - y = 0, यानी अब इस पक्ष में कोई y वाला पद नहीं बचा। 5 + 4y - y = y + 3 - y, इससे हमें मिला 5 + 3y = 3। अब हमें एक तरफ सिर्फ y वाला पद लाना होगा, इसलिए हम दोनों पक्षों से 5 घटा देंगे, यानी अब LHS से भी 5 हट जाएगा। 5 + 3y - 5 = 3 - 5। सिर्फ LHS में y लाने के लिए दोनों पक्षों को 3 से भाग देंगे, 3y / 3 = y और -2/3 मिला। यही इसका हल हुआ, y = -2/3। आइए जांच लेते हैं ये उत्तर सही है या नहीं। हम इस मान को समीकरण में रख देंगे, 5 + 4 × -2/3 = -2/3 + 3, या 5 - 8/3 = -2 + 9/3। अब हम LHS को और हल कर लेंगे, इसको घटाने पर हमें मिलेगा 15 - 8/3 = 7/3। 15 - 8 = 7, यानी हमें दोनों पक्षों में मिला 7/3। LHS = RHS आ रहा है, यानी ये उत्तर सही है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।